दिल्ली हाई कोर्ट ने कोर्ट की यहां पर याचिका को खारिज कर दिया है। अनाज मंडी की एक फैक्ट्री में अग्निकांड को लेकर दायर की गई थी याचिकाकर्ताओं ने न्यायिक जांच और सीबीआई जांच की मांग की थी। वहीं पुलिस को इस मामले में अभी जांच पूरी करने की जरूरत है, ऐसा हाई कोर्ट ने कहा है। बड़ी खबर से फिलहाल हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। जांच में कोई खामी रहती है तो याचिकाकर्ता दोबारा कोर्ट में याचिका लगा सकता है, ऐसा भी हाई कोर्ट ने कहा है। बड़ी खबर से फिलहाल हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने यहां पर अनाज मंडी की एक फैक्ट्री में अग्निकांड को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता ने दरअसल न्यायिक जांच और सीबीआई जांच की मांग की थी। तो वहीं हाई कोर्ट का कहना है कि पुलिस को पहले अभी इस मामले में जांच करने दी जाए, अगर जांच में कोई खामी रह जाती है तो याचिकाकर्ता दोबारा से कोर्ट में याचिका लगा सकता है। जिस तरीके से अग्निकांड हुआ, 43 लोगों की इसमें मौत हो गई, सबसे बड़ा अग्निकांड यहां पर कहा जा रहा है, सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन कहा जा रहा है दिल्ली का। अगर दमकल विभाग के अधिकारियों की माने तो अब तक का दिल्ली का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन था। ऐसे में इसको लेकर एक याचिका दायर की गई थी जिसमें याचिकाकर्ता ने अपनी मांग रखी थी कि यहां पर अग्निकांड जो हुआ है उसकी न्यायिक जांच और सीबीआई जांच करवाई जाए। तो वहीं हाईकोर्ट का भी कहना है कि पुलिस को इस मामले में जांच पूरी करने की जरूरत है, जांच में अगर कोई कमी रहती है तो याचिकाकर्ता दोबारा से कोर्ट में याचिका लगा सकता है। अनाज मंडी की फैक्ट्री में अग्निकांड को लेकर यहां पर याचिका को दायर किया गया था जिसे फिलहाल हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है, क्योंकि हाईकोर्ट का भी मानना है कि इस मुद्दे पर अभी पुलिस की जांच पूरी होनी चाहिए, अगर उसमें कुछ खामी होती है तो उसके बाद याचिकाकर्ता दोबारा से एक बार पिटीशन दाखिल कर सकता है। और तमाम जानकारियों के साथ जुड़ चुके हमारे सहयोगी विनय सिंह। विनय, यहाँ पर जिस तरीके से अगर हाईकोर्ट की माने तो हाईकोर्ट ने जो कहा है वो कहीं ना कहीं ठीक है कि अगर पहले पुलिस को जांच पूरी करने दी जाए, अगर उसमें कुछ कमी होती है तो उसके बाद में याचिकाकर्ता दोबारा से याचिका दाखिल कर सकता है। बिल्कुल, क्योंकि किसी भी मामले में सीबीआई जांच का प्रोसेस होता है और उसकी प्रोसेस के तहत यहाँ पे भी कोर्ट ने कहीं ना कहीं इच्छा जताई है कि उस प्रोसेस की तरह काम हो, क्योंकि पहले पुलिस जांच हो और मुख्यमंत्री ने भी मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे रखे हैं, तो इसलिए पहले पूरी जांच हो जाए नीचे के लेवल पे। अगर उसमें किसी को कोई लगता है कि जांच सही नहीं हुई है और उसमें कुछ और जांच होनी चाहिए तो उसके बाद सीबीआई जांच की मांग की जाती है, और इसीलिए याचिकाकर्ता की सीबीआई जांच की मांग है वो फिलहाल कोर्ट ने खारिज कर दी है और कहा है कि पहले पुलिस जांच हो जाए, उसके बाद अगर किसी कोई उसमें आपत्ति लगती है तो उसके बाद इस पर विचार किया जाए। जी बिना, यहाँ पर अगर एक चीज और देखी जाए कि तो हाईकोर्ट ने यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पर उनको सहूलियत दे रखी है कि अगर याचिकाकर्ता दोबारा से कोर्ट में याचिका लगा सकते हैं अगर जांच में कोई खामी होती है, तो जाहिर सी बात है पहले पुलिस की जांच होना ज्यादा जरूरी है। देखिए, प्राथमिक जांच बहुत जरूरी है और किसी भी मामले में प्राथमिक जांच से अगर संतुष्टि नहीं होती है तो उसके बाद भी कहा जाता है कि कोई भी आगे की जांच के लिए अपील कर सकता है, तो इसलिए प्राथमिक जांच को लेकर कोर्ट ने कहीं ना कहीं यहाँ पे कहा है कि पुलिस की जांच हो जाए और उसके बाद इस तरह की जो मांग है उसे विचार किया जाएगा। हालांकि इसीलिए याचिकाकर्ता की जो याचिका है वो खारिज कर दिया है कोर्ट ने और कहा है कि यदि इस मामले को लेकर सीबीआई जांच से पहले जो पुलिस जांच है वो पूरी हो जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी से रूबरू करवाने के लिए मैंने।